हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलोट्रॉप क्लासेस, वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग, वेयर वी हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑन एंजाइम्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स पर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स के जो हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि प्रोटीन्स की टर्शियरी स्ट्रक्चर दो टाइप की होती है, नंबर वन फिब्रस प्रोटीन, नंबर टू ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो एंजाइम्स जो है हमारे, ये कोरिलेट करते हैं किससे? ग्लोबुलर प्रोटीन्स से। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट होते हैं। एंजाइम एक तरीके के कैटेलिस्ट होते हैं। जब भी हमें किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना होता है तो हमें मोस्टली कैटेलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शन में कैटेलिस्ट एंजाइम्स की फॉर्म में यूज होते हैं, इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट। ये सभी क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट होते हैं। और इनकी शेप कैसी होती है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स की होती है। मींस केमिकली दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, ये किसकी शेप के होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स की शेप के होते हैं। और ये क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट होते हैं, जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स भी हो सकते हैं और नॉन प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, दोनों ही शेप में मिलते हैं। प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, नॉन प्रोटीन्स भी ये हो सकते हैं। ठीक है, जब ये नॉन प्रोटीन्स की कॉम्पोनेंट की शेप में मिलते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोफैक्टर, या बोल सकते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोल सकते हैं इनको? कोफैक्टर बोल सकते हैं या बोल सकते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल सकते हैं इनको। ठीक है, क्लियर हुआ इतना आपको? मींस एंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट है। दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दे मे बी प्रोटीन्स और नॉन प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजाइम्स बोल सकते हैं, और नॉन प्रोटीन्स है तो इनको हम बोल सकते हैं कोफैक्टर या बोल सकते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, क्लियर हुआ है ना? एग्जांपल देख लेते हैं इनके हम कुछ। एग्जांपल्स हम समझेंगे इनके रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं इन्वर्टेज एंजाइम। ओके, इन्वर्टेज जाइनेज, यूरिएज, माल्टेज, एमआईएस एंड मेनी मोर। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, कोई भी हम नोट कर सकते हैं, पिप्सिन या ट्रिप्सिन। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो हमने इंपॉर्टेंट एंजाइम्स ले लिए हैं। ठीक है, और इनकी रिएक्शंस के थ्रू हम समझेंगे। जैसे इन्वर्टेज एंजाइम है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यूज होगा। कोई भी एंजाइम है वो केवल और केवल एक पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए ही यूज होगा। मींस एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम यूज होगा, वही एंजाइम अगर हम किसी दूसरी रिएक्शन के लिए यूज करते हैं तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, जैसे इन्वर्टेज एंजाइम कहां यूज होता है? जो सुक्रोज है, सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई होगी। ठीक है, जैसे C12H22O11H2O, यहां पर C6H12O6 प्लस C6H12O6 मिलता है। ये होता है ग्लूकोज, ये है फ्रक्टोज, इसके थ्रू मिल रहा है। यहां पर ये सुक्रोज है, तो यहां पर जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा एंजाइम होता है? इन्वर्टेज एंजाइम। अगर यहां पर हम जाइमेस एंजाइम यूज करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, सिमिलरली जैसे हम ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में, तो क्या मिलते हैं हमें? एल्कोहल प्लस वाटर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या मिलते हैं? एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन में जाइमेस एंजाइम यूज होता है, और केवल जाइमेस एंजाइम ही इस रिएक्शन को देगा। अगर यहां पर आप इन्वर्टेज एंजाइम यूज करेंगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, यूरिएज एंजाइम कहां पर यूज होता है?
यूरिया का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2 + H2O। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस मिलती है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो यहां पर जो एंजाइम यूज होता है यूरिएस एंजाइम। ठीक है, यूरिया का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, यूरिएस एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट है माल्टेज। माल्टेज कहां पर यूज होगा, जब हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। माल्टोज का फॉर्मूला यही रहता है जो सुक्रोज का होता है, C12H22O11। यही फॉर्मूला किसका है, माल्टोज का। शेप में डिफरेंस है बस, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो केवल और केवल हमें क्या मिलते हैं, ग्लूकोज। सुक्रोज का कराते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलते हैं, जबकि माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो केवल और केवल क्या मिलते हैं, हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। यहां पर जो एंजाइम यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माल्टेज एंजाइम। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलिए एमाइलेज एंजाइम कहां यूज होता है, जब हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5⁵N। ये फॉर्मूला किसका है, स्टार्च का। इसका हाइड्रोलिसिस जब हम कराते हैं तो यहां पर हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम यूज करेंगे तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, स्टार्च से क्या बनता है, हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज। फ्रक्टोज नहीं बनेगा दोनों ही रिएक्शन में। ठीक है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दोनों एंजाइम कहां पर यूज होते हैं, जब हम प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाते हैं। प्रोटीन्स, क्योंकि आपको पता है कि अमीनो एसिड्स मोनोमर यूनिट होते हैं प्रोटीन्स की, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। तो अगर प्रोटीन्स को वापस कन्वर्ट करना है अमीनो एसिड में तो कौन से एंजाइम यूज करते हैं, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, अमीनो एसिड्स में। क्लियर हुआ इतना। ये कुछ एग्जांपल थे हमारे प्रोटीन एंजाइम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने ये ही यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। सभी को आपको लर्न करना है, ठीक है, सभी की रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हुआ इतना, आगे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स पर। सो प्लीज नोट इट। नेक्स्ट चलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स पर। ठीक है, एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर वन, एंजाइम्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये वाटर में डिसोल्व होने के बाद क्या देते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन। दे प्रोवाइड या दे गिव कोलोइडल सॉल्यूशन व्हेन डिसोल्व्स इन वाटर। जब हम इन्हें वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, नंबर वन पॉइंट क्लियर हुआ। नंबर टू, अभी मैंने एक पॉइंट बताया आपको कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम ही यूज होगा, मींस एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दैट इज ए पर्टिकुलर एंजाइम is used for a particular reaction। जैसे एक particular lock एक particular key से ही open होता है, ठीक है, उसी तरीके से एक reaction के लिए particular enzyme ही useful होगा, केवल एक reaction के लिए एक ही enzyme use होगा। जैसे हमने एक example कोई भी ले लेते हैं, हमने अभी reaction कराई थी, यूरिया की reaction कराई थी water से, और उसमें हमने यूरिएस एंजाइम यूज किया था तो अमोनिया का और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था। सेम यही रिएक्शन अगर हम किसी अदर एंजाइम की प्रेजेंस में कराते हैं, फॉर सपोज जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में कराते हैं, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। मींस एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दैट इज ए पर्टिकुलर रिएक्शन, ए पर्टिकुलर एंजाइम इज यूज फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। क्लियर हुआ आपको सेकंड पॉइंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट पर।
एंजाइम्स क्या होते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर पीएच पर ही वर्क करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर पीएच पर ही वर्क करते हैं, और इनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। मींस एंजाइम्स एक्टिविटी इंक्रीज एट ए, मींस ये आप बोल सकते हैं इज मैक्सिमम एट मॉडरेट टेम्परेचर, कितना हो सकता है 300 के अप्रोक्सीमेट हो सकता है, ठीक है, एंड ए पार्टी एट मॉडरेट पीएच, ना पीएच ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए और ना ही पीएच ज्यादा क्या होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए, मतलब मॉडरेट का मतलब क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 6 to 8 पीएच होनी चाहिए। इस पीएच और इस टेम्परेचर पर एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, एंजाइम्स आर हाईली इफिशियंट। हाईली इफिशियंट का मतलब क्या होता है कि ये कैटालिसिस करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को और उसकी कैटालिटिक पावर को इंक्रीज करते हैं, यानी कि उसकी स्पीड को क्या कर देते हैं, स्पीड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, कौन, एंजाइम्स, क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी एंजाइम से रिलेटेड जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये, व्हाट आर द एंजाइम्स एंड गिव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स विद द सुटेबल रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन नोट करनी है और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करनी है। तो एंजाइम से रिलेटेड एग्जाम में 12th क्लास में आपसे इतना ही टॉपिक पूछा जाता है जितना कि आपको बताया गया, ओके, तो आप इसी की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, रिएक्शंस आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए और ये लर्न होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम, कौन सा एक पर्टिकुलर एंजाइम किस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।